इसरो ने एक तस्वीर जारी की है, और वो तस्वीर ये है इसरो ने कि स्पेस से जो है वो देखिए राम मंदिर कैसा नजर आता है। मेवात में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 22 जनवरी को मंदिरों, मस्जिदों और मजारों पर घी के दिए जलाने के साथ विशेष कार्यक्रमों के आयोजन की घोषणा की। बहुत सारे जो कल्चर हैं वो फेड हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, कम होते जा रहे हैं, लेकिन हिंदू कल्चर जो है वो सरवाइव करेगा। राम से मेवात के लोगों की मोहब्बत बहुत पहले से है, रिश्ता है हमारा का, उसके हिसाब से यहाँ भी लोग उत्साह में हैं और हर जगह घरों में, इलाकों में, मंदिर मस्जिद सब मिलकर जो है घी के दिए जलाएंगे। वो कहती है कि ये दुनिया के लिए दूसरी दिवाली का मौका है और सबको मिलकर इसकी सेलिब्रेशन करनी चाहिए। सो इंडिया के अंदर अगर उनका वजीर आजम ये कर रहा है तो दैट इज देयर नेशनल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं भारत दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, हम क्यों नहीं हुए कि उनकी खुशी दुनिया की खुशी बन गई। आज इंडिया की एक बड़ी तादाद सपोर्ट कर रही है, समझ रही है कि जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दैट इज गुड। दो ब्रदर मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। और रही राम मंदिर की बात तो हम उसका भी दिल से भव्य स्वागत करते हैं। दूसरी साइड पे इंडिया के जो मुसलमान हैं, इंडिया की मुसलमान लड़कियां हैं भजन लिख रही हैं। कश्मीर से मुसलमान लड़की ने भजन लिखा है जो कि इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल है। कश्मीर मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे। देखिए देश का ऐसा पीएम जो सारे समाज को लेके चलना और बिना भेदभाव के निस्वार्थ सबको सेवा देना और हम जैसी मुस्लिम बहनों का सम्मान करना और हमें समान अधिकार दिलाना, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का हम दिल से शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि वहाँ पर जिस मंदिर की इनॉग्रेशन होने वाली है, राम मंदिर अयोध्या, वो पूरी दुनिया जो है उसको नशर करेगी अपनी कंट्री के अंदर, अमेरिका के अंदर उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, मुख्तलिफ ममालिक में किया जाएगा और बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज भी इसमें शरीक होने वाली है। तो क्या कहते हैं कि उनकी कंट्री के अंदर कुछ भी होता है पूरी दुनिया उनको सेलिब्रेट क्यों करती है? सेलिब्रेट नहीं, वो एक एक काफर जितना भी कुफार सब एक ही है, समझ गए, वो काफर काफर को सेलिब्रेट करेगा ना, वो मुस्लिम है। मुस्लिम कंट्रीज भी आ रही है वहाँ इनॉग्रेशन में जाए, लेकिन वो मुसलमान तो नहीं है। देखे ना, मरान दीन कहता है कि आप बुतों को ये वो उसको प्रमोट करें। ये मंदिर की इनॉग्रेशन में सिर्फ जाना है और मैडम ये आरती भी तो आरती है ना, ये हमारे जाके इसके ऊपर इसरो ने एक तस्वीर जारी की है, और वो तस्वीर ये है इसरो ने कि स्पेस से जो है वो देखिए राम मंदिर कैसा नजर आता है, राम टेम्पल स्पेस से कैसा नजर आता है, तो वो आप वो वाली जाके देख सकते हैं और उस पर पता चलता है कि इसरो ये बता रहे हैं। वो जो उन्होंने पिक्चर्स इमेजेस जारी किया, अभी तक तो हम देख रहे थे कि चंद्रयान 3 के इमेजेस आ रहे थे, आदित्य L1 सूरज का जो मिशन है उसके, लेकिन अब इसरो की तरफ से राम टेम्पल के इमेजेस जारी किए गए हैं कि स्पेस से राम मंदिर कैसा नजर आता है। इससे पहले दीवारें चीन के जो इमेजेस है वो भी इसी तरीके से स्पेस से नजर आते हैं, दिखाई जाते हैं, तस्वीरें शेयर करवाई जाती हैं कि दीवारें चीन नजर आ रही है वहां से, और इसके अलावा मक्का और काबा के जो हैं वो भी इमेजेस इसी तरीके से वायरल होते रहे हैं कि स्पेस से ये कैसे नजर आते हैं। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि वो वहां पर चांद पर जब कोई उतरा था तो उसने सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने जो आवाज सुनी थी उसने कहा था मैंने अजान की आवाज सुनी है वहां पर चांद पर, तो पता नहीं वहां पे अजान कौन दे रहा था। अच्छा, अजान से अब ये याद आया कि जैद हामिद साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब, बल्कि उन्होंने एक शेयर करवाई हुई है किसी की वीडियो या कुछ ऐसा, उन्होंने कहा कि भाई ये मुझे ये कह रहे कि जैद हामिद ने ये कहा है कि ईरान को गजा बनाकर दम लेंगे हम। अंदाजा करें, आप जरा सोचे कि ये जो स्टेटमेंट है इसका स्पेक्ट्रम कितना वास्ट है, कहां कहां तक फैला हुआ। एक तो आप ये कह रहे हैं कि गजा को जो है ढेर बनाया गया, तो हम ईरान को ये बनाएंगे, तो आप खुश हो रहे हैं कि गजा के साथ ये किया गया, आप इसलिए कह रहे हैं। और दूसरा ये कि क्या पिद्दी का शोरबा पाए तुसी की ईरान दे नाल करना है, तुसी ठहर जाओ दो मिनट, ना करें आप इस तरह की बातें, ना करें जैद हामिद साहब। इसकी वजह ये है कि ना पैसे हैं लड़ने के लिए, जंग लड़ने के लिए उस वक्त जंग लड़ी जाती है जब पैसा होता है, जब लोग आपके साथ होते हैं, जब दुनिया आपके साथ होती है, ना दुनिया आपके साथ है, ना पैसा आपके पास है, ना आपकी जेब भरी हुई है, खाली जेब के साथ हैं। आपने किससे किससे लड़ना है, अपनी वो जो आप तलवारें लेके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने लॉन में बैकयार्ड में, वो वाली आपने तलवार पकड़ के ईरान जाना लड़ने के लिए। जरा बात की लेते हैं, सीमा हैदर जो है
कहा जा रहा है कि उनको इनवाइट कर लिया गया और वो राम मंदिर पहुंच गई हैं, उसकी इनविटेशन उनको रिसीव हुई, उन्होंने बड़े खुश दिल के साथ उसको कबूल किया उन्होंने सीमा हैदर ने, और राम मंदिर की इनॉग्रेशन के लिए उनको इनवाइट किया गया सीमा हैदर को, और वो वहां पर पहुंच गई और वहां पर वो भजन गाती हुई नजर आई। अच्छा, जब ये खबर मैंने सुनी तो मैंने कहा कि जरा इसको किया जाए। अब वो भजन गाते हुए तो नजर आ रही हैं, उनका बेटा वो गा रहा था हनुमान चालीसा और बड़े कमाल, ऐसा लग रहा था कि पैदाइश से पहले ही उसको ये भजन आते हैं, उसको ये आता है ये कि कैसे ये पढ़ा जाता है हनुमान चालीसा, तो वो इस तरीके से उसका बेटा पढ़ रहा था। तो सीमा हैदर जी वो उन्होंने, बल्कि मैं आपको सुनवा देती हूँ, उन्होंने जो गाया के बारे में, आरजू मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस पे हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो ज्यादा सेंटीमेंट हो जाते हैं, लेकिन मैं गुजारिश एज एक वकील, एज ए लॉयर और खासकर एक एज ए बहसीत इंसान और एक मेरा बैकग्राउंड भारत इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, इसको जज्बाती नहीं बिल्कुल लेना चाहिए। मेरी हिस्ट्री, एक तो ये कोर्ट का फैसला है जिन्होंने देख के किया है हिस्टोरिकली सारा कुछ, दूसरा जब मैंने पढ़ा यहां पे मुगलों ने, जो कि मैं उनका कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं, इन्वेडर्स थे, लूटर्स थे, और मार मार के लोगों को उन्होंने मुसलमान किया, उन्होंने यहां आके एक एक मंदिर नहीं हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई, ठीक हो गया। तो वो अगर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौजूद है और वहां पे मंदिर बन रहा है, तो आपको चाहिए कि आज आप अपने भारतीय या हिंदू भाइयों को उनकी मुबारकबाद दें, जो भी है, फिर भी मैं समझता हूं वहां आबादत होगी। दूसरा, अगर आपको ज्यादा इस पर फिर भी इस चीज पर आप सेटिस्फाई नहीं होते, तो आप ये देखें कि आपने इस्तंबुल के अंदर एक चर्च को मस्जिद बना दिया, वहां भी लोगों के सेंटीमेंट्स हैं, या तो फिर आप उसको बर्दाश्त करें। फिर आप, मैं आपको यह बताऊंगा कि आप सिंध के अंदर जिसको एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हिंदू बरादरी, लेकिन आप उसको बरादरी का लफ्ज खत्म कर देते हैं, बरादरी आप नहीं समझते उनको, आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं, या तो फिर उसके लिए भी तैयारी करें आप या तो फिर उसको बर्दाश्त करें। तो इस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब कर रहे हैं, मैंने इस पे बड़ी डिटेल स्टडी की है, बल्कि इस पे पूरा एक प्रोग्राम करेंगे कि किस तरीके से अभी चार और ऐसी मस्जिद हैं जिनके बारे में, और मैंने 1912 का एक वहां पे गोल्डन सुनहरी मस्जिद भी है न्यू दिल्ली के अंदर, उसके बारे में भी एक केस चल रहा है वहां पे, 1912 का वो एक्ट भी उसमें हम डिफाइन करेंगे, जिसमें ब्रिटिश ने कहा था कि स्टेटस को जहां जहां को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि वो हम हिस्टोरिकली इट्स राइट देयर। किसी वक्त इस पे एक सेगमेंट करेंगे, लेकिन मैं इस पे, अगर मुझे पूछे तो मैं इस पे हिंदू बरादरी और हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा, और इस पे ज्यादा सेंटी, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इट वॉज अ मंदिर देयर प्रूवन बाय द कोर्ट, कोर्ट ऑफ लॉ, तो उस पे आप बर्दाश्त करें और उसको सेलिब्रेट करें उनके साथ। यू आर लिविंग देयर, वी हैव बीन लिविंग इन दिस रीजन फॉर सेंचुरीज, सदियों से रह रहे थे हम एक दूसरे के साथ, इसको अब पॉलिटिसाइज करना छोड़ दें, नफरतों के दरवाजे कोशिश करें बंद कर दें। मैं जिस तरह आज भी आप किसी को कह रहा था कि मैंने अर्थशास्त्र को अभी पढ़ा है हिस्टोरिकली लेंस से, मजहबी लेंस से नहीं, तो आप भी कोशिश करें कि चीजों को एक लेंस तब्दील करें, प्यार मोहब्बत के लेंस से चलने की कोशिश करें।